हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का भाषा पेपर खोरठा। खोरठा का सिलेबस में चार नाटक दिया हुआ है। नाटक है अजगर नाटक, उद्भासल कर्ण है, डा है और चाभी काठी। चार नाटक से एग्जाम में कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे में जो भी चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चारों नाटक का एमसीक्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का जो खोरठा का सिलेबस है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही खोरठा का सेक्शनल टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। इसके लिए कुछ फी है, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में आप लोग को जेसीसी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का नोट्स भी उपलब्ध है। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज भी जारी है। यदि आप टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आ तो बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें, 9142943957। पहला क्वेश्चन देखिए, उद्भासल कर्ण नाटक के लिखवैया के लागे। तो उद्भासल कर्ण जो नाटक है किसने लिखा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है श्रीनिवास पानुरी। किसने लिखा है? श्रीनिवास पानुरी जी ने। आगे देखिए, उद्भासल माने की होवे, उद्भासल का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ है उपेक्षित। क्या अर्थ है? उपेक्षित। फिर देखिए, उद्भासल कर्ण नाटक कौन बच्चर लिखल गेल रहत, कौन से साल में, कौन से ईयर में उद्भासल कर्ण नाटक लिखा गया? तो याद रखना है 1963 ईस्वी में। आगे देखिए, उद्भासल कर्ण नाटक के पहलका संस्करण कौन बच्चर प्रकाशन भेल रहत, तो इसका जो पहला संस्करण निकला किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 2012 ईस्वी में। कौन सा ईयर है? 2012 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 5 में, उद्भासल कर्ण नाटक के दूसरा संस्करण कौन बच्चर प्रकाशन भेल रहा? दूसरा संस्करण आया 2019 में, पहला याद रखिएगा 2012 ईस्वी फर्स्ट है और सेकंड है 2019 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कर्ण के माई के नाम हक है, कर्ण की माता का नाम क्या है? तो कुंती। क्या है? कुंती। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में, कर्ण के बापे का नाम की लागे, कर्ण के पिताजी का नाम क्या है? सूरज भगवान। क्या है? सूरज भगवान। सूर्य कर्ण के पिता थे, कुंती माता, लेकिन लालन पालन किसने किया? तो याद रखिएगा यधिरथ, यधिरथ, और इसकी जो पत्नी थी राधे। देखिए, कुंती कर्ण के कौन पेटी में रह के गंगा में बहाए दी? तो कौन सा पेटी में बहाती है? तो सोना की पेटी में। किस पेटी में? सोना की पेटी में भर के गंगा में बहा देती है। 9 नंबर देखिए, अर्जुन के गुरु के नाम की लागे, तो अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य। क्या है नाम? द्रोणाचार्य। आगे हम लोग देखते हैं 10 में, द्रोणाचार्य के ठीन कर्ण अपन बाप के नाम की कहे। जब द्रोणाचार्य के पास आता है कर्ण कि हमको धनुष विद्या सिखाइए, तो द्रोणाचार्य के पास कर्ण कहता है कि हम जो है अधिरथ के पुत्र हैं, सुत पुत्र अधिरथ। तो याद रखिएगा अधिरथ अपने पिताजी का नाम क्या बताता है? कर। देखिए 11 है, द्रोणाचार्य केकर केकरा बाण विद्या सिखावे, द्रोणाचार्य जी किसको बाण विद्या सिखाते हैं? तो याद रखना है कुरुकुल के राजवंश के राजकुमार, कुरुकुल के जो भी राजकुमार है, चाहे वो पांडव हो हा कौरव, सभी को बाण विद्या सिखाते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। आगे हम लोग देखते 12 में, द्रोणाचार्य के शत्रु के हक है, तो द्रोणाचार्य के जो शत्रु है याद रखिएगा परशुराम, द्रोणाचार्य के जो शत्रु है परशुराम। 13 में देखिए, द्रोणाचार्य कौन वंश के राजगुरु रहते, तो द्रोणाचार्य किस वंश के राजगुरु रहते हैं? कुरु वंश के। किस वंश के? कुरु वंश के। आगे देखिए 14 में, एकलव्य कौन जानवर के मार ले रहते, तो एकलव्य एक कुकुर को मार देता है, याद रखिएगा कुकुर, अर्जुन और द्रोणाचार्य के साथ एक कुकुर था जिस समय शिकार करने गया, और जो एकलव्य है ऐसा बाण मारता है कि उसका मुँह सिल जाता है, किसका? कुकुर का। तो
इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एकलव्य कौन जानवर के मार ले रहा, तो इसका आंसर है कुकुरानी की कुत्ता। आगे देखिए, एकलव्य के बाप के की नाम लागे, एकलव्य का जो पिताजी हैं तो उसका नाम क्या रहता है, वेधान, याद रखिएगा एकलव्य के पिताजी का नाम वेधान। देखिए एकलव्य के गुरु के रे, तो एकलव्य के गुरु वैसे तो देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य जी है, इसका आंसर है द्रोणाचार्य, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं देते हैं। एकलव्य जो रहता है एक स्टैचू बना लेता है किसका, द्रोणाचार्य जी का, और उसी से धनुष विद्या सीखता है। एकलव्य केकर मूरत बनाए के धनु को चलावेल सीख ले, धनु यानी कि धनुष, किसका एक स्टैचू बना लिया और धनुष विद्या चलाने सीखा, तो इसका आंसर है द्रोणाचार्य के, क्या हो जाएगा द्रोणाचार्य। देखिए एकलव्य के परीक्षा में गुरुजी केकर आँख में मारेल कहल कहे, जिस समय गुरुजी शिकार करने गए थे अर्जुन के साथ, तो एकलव्य मिला था रास्ते में, कौन मिला था, एकलव्य मिला था जंगल में, तो एकलव्य क्या करता है कि कुत्ता का मुंह मार के सील देता है। तो गुरुजी देखते हैं कि इतना धनुष विद्या में तेज कौन हो गया, तो एकलव्य से जैसे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरुजी का नाम क्या है, कहा तो कहाँ सीखा, तो एकलव्य कहता है कि आप मेरे गुरुजी आप ही हैं, आप ही का स्टैचू बनाकर हम धनुष विद्या सीखे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम इतना तेज है, चलो तुम्हारा परीक्षा लेंगे। तो एकलव्य को कहा जाता है कि तुम चीरे के ठोठ में मार के दिखाओ, तो एकलव्य तुरंत मार देते हैं। तो एकलव्य के परीक्षा में गुरुजी केकरा आँख में मारेल कहल के, तो चीरे के ठोठ में, याद रखिएगा चीरे के ठोठ में, चीरे मतलब चिड़िया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा में की मांग ले रहा था, तो द्रोणाचार्य जी दक्षिणा में क्या मांगे, गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा, अपन ये अंगूठा मांग लिए, किससे, एकलव्य से। पुरुष के ताकते संग यार की चाहिए, पुरुष का ताकत होने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ और क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, युक्ति चाहिए, आगू पिछू ज्ञान चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। के यापन स्वार्थ, देखिए के यापन स्वार्थ आगू नीति ज्ञान शस्त्र पुराण सब भुलाई गेल रहत, कौन अपने स्वार्थ के आगे नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल गए, तो इसका आंसर है द्रोणाचार्य जी, कौन हो जाएगा द्रोणाचार्य। राज मैदान केकर मध्य खेल हेल रे, राज मैदान में किसके मध्य खेल हुआ, तो इसका आंसर है कौरव और पांडव के मध्य, पांडव और कौरव कुमार सौभिक मध्य। आगे देखिए राज्यसभा में के रहत, जब राज्यसभा लगा था तो कौन कौन था, तो इसका आंसर इनमें से सभी, कृपाचार्य भीष्म धृष्टराष्ट्र द्रोण कृपाकर्ण दुर्योधन इनमें से सभी हो जाएगा। 24 में देखिए के कर्ण के अंग देश के राजा बने ले रहत, तो दुर्योधन जो है कर्ण को यंग देश का राजा बना देता है, याद रखना है कौन, दुर्योधन जो है कर्ण को यंग देश का राजा बना देता है। कर्ण अधीरथ सुत के बेटा हल है, सुत के माने की होवे, कर्ण जो है अधीरथ का बेटा था, क्योंकि लालन पालन उसी ने किया, तो जो अधीरथ है वो सुत जाति का था, तो सुत का क्या काम रहता है, सारथी। देखिए सुत का माने क्या होता है, सारथी, इसका अर्थ होगा सारथी जो रथ को हाँकता है। दुर्योधन, देखिए दुर्योधन केकरा से कहे कि तोर में खाली द्वेष और जलन भर लो, दुर्योधन जो है किससे कहता है कि तुम्हारे में केवल द्वेष और जलन भरा है, तो भीम से कहता है, किससे कहता है, भीम से। आगे हम लोग देखते हैं 27 में सोनी केकरा बहन कहे, एक देखिए करेक्टर है सोनी, सोनी किसको बहन कहती है, तो इसका आंसर है मीरा को। 28 में देखिए राजा संतनु कौन वंश के राजा हले, राजा संतनु किस वंश के राजा थे, तो कुरु वंश के, याद रखिएगा किस वंश के, कुरु वंश के। राजा संतानु के बिहा केकर से भेल रही, देखिए राजा संतानु के बिहा केकर से भेल रही, तो इसका आंसर है सत्यवती से, राजा संतानु का जो विवाह हुआ सत्यवती से, लेकिन खोरठा में लिखा गया सत्यवती से। देखिए सत्यवती केकर बेटी हली, सत्यवती जो है किसकी बेटी थी, तो याद रखना है इसमें दिया गया धीवरिक, और धीवरिक का जो अर्थ होता है नाविक, जो नाव चलाता है, तो याद रखना है धीवरिक दिया किसमें, निबंध में, और धीवरिक का अर्थ होता है नाविक, यानी कि जो नाव चलाने का काम करता है। आगे देखिए सोनी की बजावे, तो सोनी सिटी बजाती है, क्या बजाती है, सिटी बजाती है, और एक युवक आ जाता है उसके पास। आगे हम लोग देखते हैं 32 में सोनी के सिटी बजेले के आवे, तो एगो तरुण आवे, तरुण मतलब एक युवक आता है। कर्ण केकर से धनुक बाण चलावे सीख ले रहा,
कर्ण किससे धनुष विद्या सीखा? तो परशुराम से। लेकिन परशुराम से भी झूठ बोल के सीखा था, याद रखिएगा, झूठ बोल के सीखा था कौन? कर्ण। आगे हम लोग देखते हैं, कर्ण के जांघे में की छेद करे लागले, कर्ण के जांघ में कौन, इनमें से कौन छेद किया? तो याद रखना है कि भोरा, एक भोरा था जो कर्ण के जांघ में छेद करने लगा। और जब देखिए परशुराम केकरा सिखा देहल थी, परशुराम जी थे ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, याद रखिएगा ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे परशुराम। लेकिन कर्ण था कौन? एक नीच जाति, सूत जाति, लेकिन झूठ बोल के शिक्षा ले लिया था। और बाद में जब पता चल जाता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो उसको परशुराम श्राप दे देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 36 में, केकर ठीन बेसी धीरज नहीं रही। तो इसका आंसर है, देखिए ब्राह्मण ठीन बेसी धीरज नहीं रही। तो जैसे ही रक्त स्रावित होता है और परशुराम जी उठ जाते हैं तो कर्ण से कहते हैं कि तुम बताओ असल में है कौन, तुम झूठ बोल के मुझसे शिक्षा ग्रहण किया, और इतना सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में रहता नहीं है जितना तुम सह लिया। तो कर्ण अपना हकीकत बता देता है। 37 देखिए, कर्ण के एकांधी बामर के दिल रथ। तो कर्ण को एक बाण देते हैं, कौन देते हैं? तो इसका आंसर है परशुराम। क्या है? परशुराम। आगे हम लोग देखते हैं, विदुर जगत गुरु केकरा के है। विदुर जो है जगत गुरु किसको कहते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान को। किसको कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान को विदुर जो है जगत गुरु कहते हैं। पांडव के शांति दूत बन के कुरुसभा में के गेल रहे, पांडव की ओर से शांति दूत बन के कौन गए थे? तो कृष्ण जी गए थे। 40 में देखिए, के राज्यसभा में कृष्ण के बंदी बनावे के आदेश दल के। तो दुर्योधन जो है कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है। कर्ण के ओकर माता पिता के बारे में के बतेल के, तो कृष्ण जी थे जो कर्ण को उसके माता पिता के बारे में बताए। कर्ण के भरल सभा में सूतक बेटा कह के अपमान के कर ले रहा थे, तो इसका आंसर है कृपाचार्य। कौन किए थे? कृपाचार्य। 43 देखिए, अर्जुन के मारे के साथ केकराम रहत। तो अर्जुन को मारने का जो दृढ़ निश्चय था कर्ण में था, किसमें था? कर्ण में। देखिए, कुंती के केगो बेटा के अभयदान कर्ण देले रहत। कुंती के कितने पुत्र को अभयदान दिया? तो चार पुत्र को। कर्ण बोला कि चार को हम नहीं मारेंगे लेकिन अर्जुन को छोड़ेंगे भी नहीं। आगे हम लोग देखते हैं 45 में, कर्ण ठीन आचक रूपे के आवे। तो कर्ण के पास आचक के रूप में इंद्र देव आते हैं, देवराज इंद्र। के अपन बेटा के यारी से काट के कुटी कुटी कर देल रहा। तो कर्ण जो है अपने बेटा, अपने पुत्र को काट के आरे से टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। देखिए, बाभन रूपे इंद्र, बाभन यानी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र आए थे आचक बन के। तो क्या मांगे? कर्ण से की मांगल के? तो याद रखिएगा, कवच और कुंडल मांगा। क्या मांगा गया? कवच और कुंडल। देखिए 48 है, कर्ण केकरा से के, कर्ण किससे कहता है? कि तोय मतलब आप, अर्जुन पिता स्वर्ग के राजा इंद्र। कर्ण किससे कहता है? कि आप अर्जुन के पिता स्वर्ग यानी कि स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। तो बाभन से यानी कि ब्राह्मण से। 49 देखिए, बाभन कर्ण के अपन रेखा करे खातिर की दिल रहते। बाभन जो इंद्र भगवान थे कर्ण को क्या दिए थे? तो याद रखिएगा, कर्ण को एक बाण दिए थे। क्या दिए थे? एक बाण दिए। देखिए, युद्ध मैदाने केकर रथ के चक्का धरती में फंस गया रथ। किसके रथ का जो चक्का है धरती में फंस गया था? तो कर्ण का रथ फंस गया था। कर्ण के ऊपर बाण के मारे, जब जो रथ का चक्का है फंस जाता है तो अर्जुन जो है कर्ण के ऊपर बाण चला देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अप्यस कर्ण से की मांगे। अप्यस जो है कर्ण से क्या मांगता है? तो सोना मांगता है। कर्ण अप्यस के की दे है? तो सोना के दांत। कर्ण जो है अप्यस को क्या देता है? तो सोना के दांत। उद्भासल कर्ण में केगो दृश्य है? तो उद्भासल कर्ण में 11 दृश्य, याद रखिएगा केगो दृश्य है, 11 दृश्य है। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कहाँ भेल रहत? तो धनबाद में। धनबाद का कौन सा जगह? बरवड्डा। बरवड्डा में श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। पानुरी जी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, पानुरी जी के माय के नाम की लागे? तो पानुरी जी के माय के नाम दुखनी देवी। क्या रहता है? दुखनी देवी। पानुरी जी के जन्म धनबाद के कौन जगह भेल रहा? तो याद रखिएगा, बरवड्डा में। कौन सा जगह? बरवा अड्डा, बरवड्डा जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं,
पानुरी जी के जन्म कहिया भेल रहत? तो पानुरी जी के जन्म 20 दिसंबर 1920 में भेल रहत। आगे हम लोग देखते हैं एकर में कौन रचना पानुरी जी के हके? तो इनमें से तीनों रचना पानुरी जी के, बाल किरण, मेघदूत और राम कथा मृत। देखिए पानुरी जी के यानी कि पानुरी जी को खोरठा के भीष्म पितामह के कहले रही। तो खोरठा के भीष्म पितामह किसने कहा? तो इसका आंसर है विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज। पानुरी जी के खोरठा का टैगोर के कहले रही? पानुरी जी को खोरठा का टैगोर किसने कहा? तो इसका आंसर है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। पानुरी जी के खोरठा का वाल्मीकि के कहले रही? तो पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि किसने कहा? तो इसका आंसर है पंडित रामदयाल पांडे। आगे देखते हैं पानुरी जी के बापे का नाम की है? तो पानुरी जी के पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी। आगे देखिए पानुरी जी के पत्नी के नाम की है? तो पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। क्या है? मूर्ति देवी। पानुरी जी के मृत्यु कहिया भेल रहत? तो मृत्यु याद रखिएगा 7 अक्टूबर 1986 को। तो इस प्रकार से उद्भासल कर्ण नाटक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का जो खोरठा का सिलेबस है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही खोरठा का सेक्शनल टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। इसके लिए कुछ फी है, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में आप लोग को जेसीसी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का नोट्स भी उपलब्ध है। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज भी जारी है। यदि आप टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आ तो बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाभी काठी नाटक का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस नाटक में कुल 20 दृश्य, याद रखिएगा कितना दृश्य है, 20 दृश्य, और टोटल जो पात्र है 19 पात्र है। चाभी काठी नाटक के लिखवैया के हक है? इस नाटक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास पानुरी जी ने इस नाटक को लिखा है। और श्रीनिवास पानुरी जी का संक्षिप्त परिचय हम लोग इससे पहले का नाटक में देख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चाभी काठी नाटक में के गो पात्र है? तो याद रखिएगा 19 पात्र है। चाभी काठी नाटक में पुरुष पात्र के गो है? तो पुरुष पात्र कितना है? तो 14 यानी कि 14 पुरुष पात्र है। चाभी काठी नाटक में नारी पात्र के गो है, जो फीमेल कैरेक्टर है 5। आगे देखिए चाभी काठी नाटक के नायक के हक है? जो इसका हीरो कौन है, नायक कौन है? तो इसका आंसर है शंभू। कौन है? शंभू। शंभू के मायके की नाम लागे? शंभू के मायके नाम याद रखना है सोहागी है। क्या है? सोहागी। चाभी काठी नाटक में साहूकार या जमींदार के रहत? चाभी काठी नाटक में साहूकार कौन था या तो जमींदार कौन था? तो इसका आंसर है देखिए कालूराम। कौन था? कालूराम। 8 में देखिए चाभी काठी नाटक में एकर में के शहरी युवक है? इनमें से कौन एक शहरी युवक का कैरेक्टर प्ले किया था? तो इसका आंसर है राधो और रतिराम। राधो और रतिराम क्या है? एक शहरी युवक है। कालूराम के लठेट के है? कालूराम का जो लठेट रहता है याद रखना है सिंह जी और संतु। सिंह जी और संतु कालूराम का लठेट यानी कि चमचा रहता है। आगे हम लोग देखते गाँव के बूढ़ा के की कहल गए? कहानी में आप सभी को पता है कि इस नाटक में एक गांव का बुढ़ा है जिसे बाबा कहा गया है। क्या कहा गया? बाबा। चाभी काठी नाटक में एकर में के ग्रामीण रही? तो ग्रामीण का जो रोल है किसने प्ले किया है? तो इसका आंसर है जादू और खेपा। क्या हो जाएगा? जादू और खेपा ग्रामीण का जो करेक्टर है प्ले किया है। आगे हम लोग देखते हैं एकर में के कालूराम के मुंशी रही? तो कालूराम का मुंशी कौन था? तो फकीरा। फकीरा कौन था? कालूराम का मुंशी था। एकर में के विदूषक है? विदूषक का जो करेक्टर है किसने प्ले किया? तो मोती ने। मोती एक यहाँ पर एक विदूषक है। देखिए कालूराम के बेटा के की नाम लगे? तो कालूराम का बेटा घर छोड़ के चल गया है, याद रखिएगा उसका नाम क्या रहा? रोहन। क्या है? रोहन। विदूषक के पत्नी के की नाम लगे? तो चुटरी माए। इसमें नाटक में बताया गया कि जो विदूषक है, विदूषक को चुटरा बाप, चुटरा बाप किसे कहा गया? मोती।
तो उसका जो पत्नी है चुटरा माई विदूषक के पत्नी। आगे हम लोग देखते हैं, चाभी काठी नाटक में के एक शिक्षित युवती थी, तो शिक्षित युवती का जो करेक्टर है किसने प्ले किया, दमयंती ने। एकर में के एगो दलाल औरत रही, नाटक में आप लोग देखें कि एक दलाल औरत रहती है जो क्या काम करती है, कालू राम के लिए लड़के की व्यवस्था करती है, तो उसका नाम कर्मी, क्या रहता है, नाम क्या है, कर्मी दलाल औरत रहती है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कि न्याय भेल है, मान सम्मान न्याय मिले है, क्या नहीं होने से मान सम्मान नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा टाका आदि नहीं है, टाका यानी कि पैसा नहीं है तो मान सम्मान नहीं मिलता है, कौन कहता है, शंभू कहता है। देखिए एकर में कौन कोल्डफील्ड इलाका है, इनमें से कौन एक कोल्डफील्ड इलाका है, तो इसका आंसर है झरिया, धनबाद, सिंदरी, माराफारी, ये सभी जगह कोल्डफील्ड इलाका में आता है। देखिए बाबा से के पूछे कि कालू राम अते बड़ धनी कैसे भे गेल रह, तो बाबा से नाती पूछता है, नाती सब क्या पूछता है कि बाबा बताइए कि कालू राम इतना बड़े आदमी कैसे बन गए, तो बाबा क्या बताते हैं कि गर्मी के दिन था, जेठ का महीना था, और कालू राम एकदम भूखे प्यासे था, एकदम बेचैन था, बेहोश था, पानी उनी उसके माथे में थापे तो उसको होश आया था, तो कौन कहा कहानी किसने कहा था, बाबा ने। देखिए कौन महीना है कालू राम गाँव आयल रहा, तो कौन सा महीना में कालू राम जो गाँव आया था, तो जेठ महीना में। आगे देखिए कालू राम कौन काम करे हले, तो कालू राम क्या करता था, शुद्ध पैसा जो था सूद में लगाता था, सूद में टका लगावे, भोरी करी, दुकानदार बन गेल रहा था। तो ये जो कहानी है बाबा ने कहता है, बाबा जी कहते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे जो कालू राम है सूद में टका लगाने लगा, भोरी करने लगा, यानी कि सामान बेचने लगा और दुकानदार भी बन गया। आगे हम लोग देखते हैं, शंभू काम करेल कहाँ गेल रहा था, तो याद रखना है शंभू काम करने धनबाद गया था। देखिए एकर में के है कि इस जिले के लोग बड़ी कोरही होवे, तो इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिसने कहा कि इस जिले यानी कि धनबाद के लोग कोरही है, कोरही मतलब आलस्य लोग है, तो याद रखना है कि राधो, ऐसा कौन कहता है, राधो कहता है। शंभू कते पढ़ल है, तो शंभू बीए पास, याद रखिएगा शंभू कितना पढ़ा है, बीए पास, और उसके पास एक ही कलम था उस समय जब धनबाद में उतरा और बोला कि इस शहर में कहाँ जाए, तो देखता है कि पॉकेट में एक कलम है जिससे वो बीए पास किया था, बोलता है इस कलम को बचा के ही रखना है। देखिए आगे, शंभू केकर स्कूल में काम मिल गया रहा था, शंभू किसके स्कूल में काम मिल गया, तो याद रखना है कि रतिराम के स्कूल में शंभू काम करने लगा था। रतिराम शंभू के कते रुपया घर भेजे खातिर दे रहा था, तो रतिराम था, शंभू बोला चलो तुम मेरे स्कूल में काम करेगा और जब तक रहने की व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक मेरा स्कूल में रहेगा, होटल वाले को कह दिए हैं, और ये लो पैसा तुम घर भेजा देना, तो कितना रुपया दिया था, तो याद रखना है कि 200 रुपया। कालू राम कौन चुनाव में डंडाल है, तो कालू राम मुखिया के चुनाव में डंडाल, डंडाल मतलब खड़ा है। शंभू एकर में कौन काम करे, शंभू कौन काम करता है, तो स्कूल में आप सभी को पता है कि स्कूल में काम करने लगा और साथ ही कविता पाठ भी करता था, तो कविता पढ़े है। मोती के बेटा बेटी की नाम लागे, जो मोती है विदूषक है उसका बेटा बेटी का नाम क्या है, चुटरा और चुटरी, बेटा चुटरा और बेटी चुटरी। देखिए शंभू स्कूल के नौकरी छोड़ के कौन काम करे लागले, आप सभी को पता है कि कविता पाठ करके जब आया तो अगले दिन शंभू बोलता है कि हम स्कूल में काम नहीं करेंगे, अब मुझे गाँव में सेवा करना है, तो याद रखना है कि गाँव घर के सेवा काम करे लागले कौन, शंभू। शंभू केकरा इलाज करवे खातिर डॉक्टर के आन ले रहते, तो नाटक में आप लोग को बताएं कि रमुआ बहू, याद रखिएगा रमुआ बहू बहुत बीमार थी और इसके इलाज करने के लिए जो शंभू था डॉक्टर को बुलाया। देखिए केकरा मोरल पर शंभू भोज की व्यवस्था न होवेल दिए, किसका किसके मर जाने के बाद शंभू जो है गांव में भोज का व्यवस्था नहीं होने दिया था, तो याद रखना है कि सोमरा के मर जाने के बाद। के अपन खेत 7 बच्छर खातिर कालू राम के दिल रहा, इनमें से कौन जो है अपना खेत 7 बच्छर के लिए दिया था किसको, कालू राम को, तो इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर समरी। देखिए समरी के मन के खेत, समरी जो है के मन के खेत कालू राम के दिल रहा, एक मन बराबर होता है 40 किलो, याद रखिएगा एक मन बराबर कितना होता है 40 किलो होता है, 40 केजी, तो के मन के खेत, तो याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 30 मन के खेत, कितना 30 मन के खेत जो है समरी कालू राम को दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, केकर राग घुटे खेतवा चोर कैट ले रहा, यानी कि किसका एक खेत जो है चोर काट के ले गया था, उसका जो फसल था चोर काट के ले गया था, तो इसका आंसर है मंगला के राग घुटू, यानी कि कोई ऐसा खेत था जिसका फसल जो था चोर काट के ले गया था, तो मंगला के।
केकर छोड़ा ससुरार ओगरे लागल, किसका जो बेटा है ससुरार ओगरने लगा यानी कि ससुरार में रहने लगा और ओकर बहू नहीं रह और उसकी जो बहू है वहीं रहने लगी, तो इसका आंसर है मंगला के। कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू मीटिंग कहाँ रही, तो पिपराटैंड में। कहाँ रहता है कांग्रेस उम्मीदवार पंचानन बाबू का जो मीटिंग है पिपराटैंड में रही। कालूराम केकरा से बंदूक लेके कोठा चेड़ जल की, आप लोग को नाटक में पढ़ाए हैं कि जब देखते हैं कि शंभू पूरा दल बल के साथ आ रहा है तो कालूराम कहता है मोहन को तुम कोठा में चढ़ जा बंदूक लेके और जरा सा भी इधर उधर कुछ देखा तो भूंज देना गोली से। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए शंभू गाँव में की बनवे खातिर चंदा लील कालूराम के पास आए रहे, तो गांव में शंभू क्या बना रहा था जिसके लिए चंदा उठाने या तो चंदा कलेक्ट करने के लिए कालूराम के पास आया था, तो स्कूल बना रहा था। क्या बना रहा था, स्कूल बना रहा था। तो कालूराम के पास गया, बोलता है बोल चाचा के टका लिख दियो, तो कालूराम कहता है 10 टका लिख दी। कितना 10 टका। क्वेश्चन देखिए, स्कूल बनवे खातिर कालूराम के टका दिए एक बात करे, तो याद रखना है कि 10 टका। और शंभू कितना लिखता है, तो शंभू 500 यानी कि 500 रुपया लिखता है। शंभू स्कूल बनावे खातिर कालूराम के नाम के टका लिखल रहा, तो 500 यानी कि 500 रुपया लिखता है। देखिए कालूराम के बच्चे आगू गांव आयले हेले, कालूराम देखिए जब नाटक लास्ट होने लगता है तो शंभू कहता है कि तुम सभी गांव वाले को जमा करो, मुझे कुछ घोषणा कर रहा है। तो कालूराम कहता है कि 40 साल पहले इस गांव में आया था, तो याद रखना है कितना साल पहले, 40 वर्ष यानी कि 40 बच्चर पहले गाँव आया था। कालूराम कहाँ जाए के बात करें, तो काशी। कालूराम क्या कहता है कि सारा संपत्ति गांव में हम बांट देते हैं और कहाँ जाएंगे, काशी जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, कालूराम अपन चाबी काठी केकरा दे, कालूराम अपना चाबी काठी यानी कि जो भी संपत्ति था किसके हाथ में सौंप देता है, तो याद रखना है शंभू के हाथ में। इसका आंसर होगा शंभू के हाथ में। तो इस प्रकार से चाबी काठी नाटक को हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिए। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टारगेट पूर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल यानी कि झारखंड सचिवालय का जो खोरठा का सिलेबस है कंप्लीट वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में मिलेगा, साथ ही खोरठा का सेक्शनल टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। इसके लिए कुछ फी है, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में आप लोग को जेसीसी सीजीएल के सिलेबस पर आधारित झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का नोट्स भी उपलब्ध है। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज भी जारी है। यदि आप टारगेट पूर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आ तो बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल करें 9142943957। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग अजगर नाटक पढ़ लिए हैं, आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अजगर नाटक के लिखवैया के लागे, तो इसके जो लेखक है याद रखिएगा विश्वनाथ दसौंधी राज। राज क्या है, उपनाम है, याद रखिएगा विश्वनाथ दसौंधी राज में जो राज है उपनाम है। विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कहाँ भेल रहत, तो इसका जो जन्म है कतरास, कतरास का एक जगह है भटमुरना, याद रखिएगा जन्म ठाव पूछे, ठाव मतलब होता है स्थान, तो जन्म ठाव जो है कतरास के भटमुरना में है। आगे हम लोग देखते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कौन बच्छर भेल रहत, तो कौन सा साल में विश्वनाथ दसौंधी का जन्म हुआ, तो याद रखना है 15 अप्रैल 1943। विश्वनाथ दसौंधी के बाप के नाम की लागे, तो विश्वनाथ दसौंधी के बाप के नाम स्वर्गीय मुखराम दसौंधी लागे, याद रखिएगा स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। विश्वनाथ दसौंधी कत्ते पढ़ा सुना है यानी कि कितना पढ़ा लिखा था, तो इसका आंसर है MA, हिंदी से MA किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 6 में अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल रहत, VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इसका जो प्रकाशन है बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो झारखंड, बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो से हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए विश्वनाथ दसौंधी राज के माए के नाम की लागे, तो माँ के नाम क्या था, तो इसका आंसर है फूटा देवी, क्या हो जाएगा फूटा देवी। देखिए 8 में एकर में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसौंधी राज के लागे, इनमें से कौन सा कीर्ति विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, ढलती शाम का सूरज उपन्यास है, याद रखिएगा ढलती शाम का सूरज।
वेदना के पंख कविता संग्रह है और भगजोगनी जो है उपन्यास है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, आपको तीन उपन्यास का नाम दे दिया, एक दे दिया कविता संग्रह, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा उपन्यास विश्वनाथ दसौंधी राजकांड नहीं है, तो आप लोग को याद रखना होगा कि कौन उपन्यास है और कौन कविता संग्रह है, कौन काव्य संग्रह है, कौन नाटक है। देखिए यहाँ पर जो ढलती शाम का सूरज और वेदना का पंख है हिंदी में लिखा गया, याद रखिएगा किस भाषा में, हिंदी में लिखा गया है और इसका प्रकाशन जो हुआ था आगरा प्रगति प्रकाशन, नाम याद रखिएगा आगरा प्रगति प्रकाशन, आगरा प्रगति प्रकाशन से हुआ था, किस भाषा में, हिंदी भाषा में। आगे हम लोग देखिए कौन बच्छर विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी नामक खोरठा पत्रिका के संपादन कर ले रहत, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से साल में विश्वनाथ दसौंधी राज जो है तितकी नामक एक खोरठा पत्रिका है उसका संपादन की, तो इसका आंसर है 1977 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख कृति, तो सबसे पहले देखिए ढलती शाम का सूरज है जो उपन्यास है, वेदना के पंख कविता संग्रह है, पहला खोरठा कहानी महुआ है, कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका नाम है बिहार भूमि इसका संपादन किए, तितकी नामक पत्रिका का भी संपादन 1977 में किए, भगजोगनी नामक उपन्यास लिखे, अजगर नाटक लिखे, माटिक पुथिल कहानी संग्रह है, घर मुडली कहानी कथा संग्रह है, पुटू सर परास एक कविता संग्रह है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक के भूमिका के लिख ले हत, तो जो भूमिका लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी जी लिखे, कौन लिखे हैं, गिरधारी गोस्वामी। अजगर नाटक का जो पहला प्रकाशन है 2004 ईस्वी में और दूसरा प्रकाशन 2020 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कौन बच्छर किस साल में विश्वनाथ दसौंधी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिले, तो कौन से साल में विश्वनाथ दसौंधी राज को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिला, तो इसका आंसर है 1992 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक में गाँव एक महाजन के रहा, तो गांव में गांव का जो महाजन था जिसको अजगर बोला गया था, तो इसका आंसर है यघुनु लाला। नाटक में आप सभी को बताएं कि यघुनु लाला का करेक्टर कैसा था, एक रौबदार किस्म का था, अघनु लाला गांव में जितने भी गरीब लोग थे सबको चूसते थे। क्वेश्चन है अघनु लाला के बेटा के रहा, तो बेटा कौन था, मंगरा था, याद रखिएगा बेटा कौन था, मंगरा था, और मंगरा किससे शादी किया था, फुलवा से किया था, फुलवा कौन जाति, महाराज जात की, सब क्वेश्चन मिलेगा, वीडियो में बने रहे। देखिए अजगर नाटक में चरकपहरी थाना के थानादार के रहत, जो थानेदार था जालिम सिंह। चलिए आगे हम लोग देखिए अजगर नाटक में गाँव एक पुजारी के रहत, तो पुजारी कौन था, बाबा भगत था, टुंगरी बाबा भगत कौन था, बाबा भगत। आगे हम लोग देखते अजगर नाटक में गाँव एक गरीब किसान के रहत, तो जो गरीब किसान था इसका आंसर है गोबरा और मथुरा, गोबरा और मथुरा गांव का एक गरीब किसान था। आगे हम लोग देखते हैं अजगर नाटक में गाँव एक एगो गरीब आदिवासी के रहत, तो गरीब आदिवासी कौन था, तो इसका आंसर है तेतरा मांझी, कौन था, तेतरा मांझी। 18 में देखिए फुलवा कौन जाति के है, तो फुलवा कौन जाति के हल है, याद रखना है महरा जाति के, आप सभी को नाटक में बताया कि फुलवा कौन जाति की थी, महरा जाति की। अजगर नाटक में एगो लबार रे ओकर नाम की रहत, एगो लबार रहता है उसका नाम क्या है, तो याद रखना है बितना, क्या नाम है, बितना। आगे हम लोग देखते हैं गोबरा के जनी नाम की लागे, गोबरा के जनी यानी कि गोबरा की वाइफ कौन थी, तो इसका आंसर है सुगिया, क्या हो जाएगा, सुगिया। बितना के जनी के नाम की लागे, तो बितना के जनी के नाम देखिए बिजली, क्या नाम है, बिजली। अजगर नाटक में केगो पात्र है, तो कितना पात्र है अजगर नाटक में, कुल 13 पात्र है। अजगर नाटक में केगो स्त्री पात्र है, तो स्त्री पात्र कितना है, तो इसका आंसर है 3, 3 स्त्री पात्र है, कौन कौन, बिजली, सुगिया, फुलवा। देखिए एक बिजली है, एक सुगिया है, एक फुलवा है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बितना और बिजली के बारे में पढ़ाए नहीं, तो बितना और बिजली कहाँ से आ गया, तो आप सभी को बता दें कि नाटक जब शुरू होता है उससे पहले, नाटक जब शुरू होता है प्ले होता है उससे पहले बताया जाता है कि कौन सा नाटक खेला जा रहा है, या तो कौन से नाटक का मंचन किया जाएगा, उसको पूर्वाभास कहते हैं। तो अजगर नाटक के शुरू में इसका करेक्टर था एक बितना था जो लबार था, और यहाँ पर एक बिजली थी, याद रखिएगा एक बिजली थी, तो इसी के बीच कुछ बात होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इसलिए इसको स्किप कर दिया गया है।
देखिए तो यहाँ पर पूछा गया कि केगो स्त्री पात्र है, तो याद रखिएगा एक बिजली है, एक फुलवा है और एक सुगिया है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अजगर नाटक के दूसर का संस्करण, तो पहल का संस्करण याद रखिएगा 2004 में, पहला संस्करण 2004 में और दूसरा संस्करण 2020 में। अजगर नाटक का पहला संस्करण 2004 और दूसरा संस्करण 2020 में आया। अजगर कैसा नाटक है, तो अजगर एक सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। याद रखिएगा अजगर कैसा नाटक है, एक सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है। नाटक के पहल दृश्य में अघनू लाला की गुड़गुड़ाए रहल है, तो नाटक का पहला दृश्य में अघनू लाला जो है चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाए रहल है, यानी कि पी रहा है, हुक्का पी रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि गोबरा केकरा से कहे कि तोहर आदेश माने भगवान के आदेश, तो अघनू लाला से किससे कहता है, अघनू लाला से कहता है गोबरा कि तोहर आदेश यानी कि भगवान के आदेश। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए गोबरा अघनू लाला के सूद के कते पैसा नहीं चुके पार ले, तो अघनू लाला के पास कितना बाकी रह गया था, 50 रुपया, गोबरा का 50 रुपया बाकी रह गया था। लेकिन जब शारदा प्रसाद खाता बही देख के देखता है तो कहता है कि 500 यानी कि 500 रुपया तुम्हारा बाकी रह गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, शारदा प्रसाद खाता देख के गोबरा से कते टका बाकी के बात कहे है, तो 500 टका, कितना 500। आगे हम लोग देखते हैं, शारदा अघनू लाला के खाता के कौन खाता के, तो जो शारदा प्रसाद है वो अघनू लाला के खाता को किस प्रकार का खाता कहता है, तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कचहरी के खाता, इसका आंसर है सरकारी कचहरी के खाता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शारदा प्रसाद गोबरा के कौन हाथ के अंगूठा सादा कागज में लगवेल की है, तो याद रखिएगा जो गोबरा था, गोबरा उसको बोला कि तुम एक सादा कागज में अपना अंगूठा लगाओ यानी कि अपना ठेपा लगाओ, तो दहिना हाथ के अंगूठा का ठेपा लगाने के लिए कहता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यघनू शारदा प्रसाद के सादा कागज में की लिखल के, क्वेश्चन कह रहा है कि यघनू लाला जब ठेपा लगवा लिया गोबरा से तो क्या कहता है कि उस सादा कागज में तुम लिख दो, तो कहता है कि गोबरा के घर द्वार और गोबरा के खेत पथार लिख दो, मतलब जितना गोबरा का घर द्वार है खेत पथार है सब तुम इस कागज में लिख दो, इसका आंसर है बी और सी। आगे हम लोग देखते हैं, टुंगरी बाबा का मंदिर कहाँ है, तो टुंगरी बाबा का जो मंदिर है पहाड़ी गोड़ा यानी कि पहाड़ी के नीचे है। मथुरा कहाँ जाए खातिर बहराल रहे तखन टुंगरी बाबा गोड़ लागल चल जाए, मथुरा कहाँ जाने के लिए घर से निकलता है और उसी समय टुंगरी बाबा का आशीर्वाद लेने यानी कि पैर छूने के लिए चल जाता है, तो बेटी घर जाने के लिए निकला था। 36 देखिए के राय के भूत भे गए, टुंगरी बाबा के जो भगत है बाबा भगत बोलता है कि तुम लोग टुंगरी बाबा का तो पूजा कर नहीं रहा है, बाबा जो है भूत बन गया, राय के यानी कि गुस्सा से भूत बन गया, तो इसका आंसर है टुंगरी बाबा। कौन राय के भूत बन गए, तो टुंगरी बाबा। के बच्छर से टुंगरी बाबा पूजा नहीं भेल रही, आ तो नहीं भेल रहत, तो 2 बच्छर से याद रखिएगा 2 साल से टुंगरी बाबा की पूजा नहीं हुआ था। देखिए गांव में के बच्छर से अकाल पड़े ले, गांव में कितने साल से अकाल पड़ रहा था, तो 2 साल से, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाबा केकरा टुंगरी बाबा की पूजा करे खातिर कहे है, बाबा जो है किससे टुंगरी बाबा का पूजा करने के लिए कहता है, तो इसका आंसर है मथुरा से, किससे कहता है, मथुरा से कहता है। टुंगरी बाबा की पूजा में की चाहिए, टुंगरी बाबा की पूजा में क्या क्या चाहिए, तो मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और सादा पाठा, मुर्गा भेड़ा और सादा पाठा चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, मथुरा की बेच के टुंगरी बाबा की पूजा करे एक बात कहे, मथुरा बोलता है सब कर बे बाबा यानी कि जो भी थारी है घर का, थारी लोटा सब बेच के टुंगरी बाबा का पूजा करेंगे, तो इसका आंसर है लोटा और थारी बेच के। कौन मानुष के इस संसार में कोई ना पूछे, किस मनुष्य को इस संसार में कोई नहीं पूछता है, तो छुच्छा मनुष्य की, याद रखिएगा छुच्छा मनुष्य की संसार में कोई नहीं पूछता है। गोबरा और सुगिया पानी कहाँ से आने हैं, तो गोबरा और सुगिया जो है पानी जोरिया से लाने हैं, कहाँ से, जोरिया से। गोबरा के केगो गिदर रहे, तो गोबरा के 2 गिदर रहे, याद रखिएगा केगो गिदर है 2 गिदर है। देखिए गोबरा की पी के अपन भूख मिटावे है, गोबरा क्या पी के अपना भूख मिटाता है, तो इसका आंसर है 1 लोटा पानी पी के। गोबरा से के कहे है कि, गोबरा से कौन कहता है कि ई बच्छर पानी खूब बरसता है, इस साल पानी खूब बरसेगा, खेत पथार
धान मड़ुआ गुदली खूबे होते हैं। तो ये कौन कहता है? टुंगरी बाबा का भगत। कौन कहता है? टुंगरी बाबा के भगत। चरकपहरी थाना के सिपाही के की नाम लागे? तो चरकपहरी थाना के सिपाही का नाम क्या है? सेवक राम। क्या है? सेवक राम। देखिए आगे, एकर में के कहे कि झारखंड के मानुष सीधा हवे? इनमें से कौन कहता है कि झारखंड का जो मनुष्य सीधा होता है? तो जालिम सिंह कहता है। किससे कहता है? तो सेवक राम यानी कि सिपाही से कहता है। जब जालिम सिंह समझाता है कि तुम अभी तक मेरे जैसा काम करता तो बिल्डिंग ठोक देता है, तुम नहीं जानता झारखंड का जो मनुष्य रहता है बहुत ही सीधा होता है, एक बार डराएगा धमकाएगा पैसा का पैसा ला के फेंकेगा। आगे हम लोग देखते हैं, शारदा केकरा से कहे है कि जखन गोबरा भूखे मोरे हले तखन लालाजी 5,000 टका पोठी माछ जैसन गेन दिलथिन। क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा किससे कहता था कि जब गोबरा भूख से मर रहा था तो उस समय लालाजी 5,000 रुपया दिए थे? तो इसका आंसर है जालिम सिंह से। किससे कहता है? जालिम सिंह से कहता है। देखिए आगे, मंगरा और फुलवा कौन बोन में मिले हैं? मंगरा और फुलवा कौन बोन में, कौन जंगल में मिलता है? तो इसका आंसर है परास बोन में। कौन बोन में? परास के बोन में दोनों मिलता है। महारायण माने की होवे? देखिए फुलवा जो है किस जाति की थी? महारा जाति की। तो महारायण के माने की होवे? तो इसका आंसर है अछूत और छोट जात, वैसा जात जो अछूत है अतो छोटा जात। मंगरा केकर से प्यार करे है? तो इसका आंसर है फुलवा से। किससे करता है? फुलवा से लव करता है। कहानी में यघुनु केकरा से कहे कि तोय तनी अंग्रेजी की पढ़ ले, कि साभे जात पात धर्म कर्म खाई गेले। अघनु जो है इस नाटक में किससे कहता है कि तुम थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लिया इंग्लिश पढ़ लिया तो सभी जात धर्म भूल गया? तो मंगरा से कहता है। किससे कहता है? मंगरा से। देखिए, केकर सेवा से बढ़कर कोई धर्म ना है। किसका सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है? तो मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गोबरा अपन नुनवा दवा दारू खातिर कहाँ जाए खोजे? गोबरा जो है अपना बेटा नुनवा मतलब अपना बुतरुआ तो बच्चा के लिए बीमार हो गया था उसका बच्चा, और दवा दारू के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए चाहता है। तो उसी समय कौन आ जाता है? तो उसी समय आ जाता है जालिम सिंह और शारदा प्रसाद। देखिए, गोबरा के घर के आवे जब अपने बच्चे को इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता है, उसी समय कौन आता है? जालिम सिंह और शारदा प्रसाद आता है। आगे हम लोग देखते हैं, शारदा केकर पागल कुकुर के, शारदा केकरा पागल कुकुर की है? तो इसका आंसर है गोबरा की। शारदा जो है गोबरा को पागल कुकुर कहता है। देखिए, गोबरा केकरा बोने का बाघ की है? तो गोबरा जो है शारदा को बोन का बाघ कहता है। देखिए, गोबरा के घर खाली करावे से के बचावे? तो गोबरा का जो घर है खाली कराने से मंगरा बचाता है। देखिए, माटी के बेटा माने की होवे? नाटक में आप लोग सुने होंगे कि माटी के बेटा यूज हुआ है, तो माटी के बेटा का माने की होवे? तो झारखंड के बेटा और बिरसा का बेटा। इसका आंसर है ये और भी दोनों। फुलवा आते भिनसरे कहाँ जा हले? तो फुलवा कहाँ जा रही थी? तो इसका आंसर है तेतरा मांझी ठीन। कहाँ जा रही थी? तेतरा मांझी ठीन। फुलवा के कहाँ रहल मुश्किल भे गेल? तो फुलवा के इस गांव में रहना मुश्किल हो गया था। फुलवा के बिहान सांझ के धमकवे? तो फुलवा के बिहान सांझ थाना के थानेदार धमकवे है। आगे देखिए, टुंगरी बाबा के भगत के मत ले, टुंगरी बाबा के भगत के मत से आतो उसके अनुसार गोटे गांव के धर्म काहे चल गल रहा? पूरा गांव का धर्म क्यों चल गया, मतलब पूरा गांव का धर्म क्यों भ्रष्ट हो गया? तो इसका आंसर है जो फुलवा थी ना वो मंगरा से ब्याह कर ली थी। फुलवा जो थी मंगरा से ब्याह कर ली थी। आगे हम लोग देखते हैं, नाटक में ये बात के कहले है कि गांव केकरो बाप के बपोती ना लागी? नाटक में ये जो सेंटेंस है किसने कहा कि ये जो गांव है किसी के बाप का बपोती चीज नहीं है? तो तेतरा कहता है। किससे कहता है? फुलवा से कहता है। देखिए, केकर कहल पर फुलवा, किसके कहने पर फुलवा जो है कुआं जोरिया से पानी लाने बंद कर देल हत। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके कहने से जो फुलवा है पानी लाना बंद कर देती है कुआं जोरिया से? तो बाबा भगत के कहल पर, बाबा भगत ही कहा था कि फुलवा जो है गोबरा से ब्याह करके पूरा गांव का धर्म भ्रष्ट कर दिए। बाबा भगत ही मना कर देती है उसको कि पानी तुम नहीं ला सकती। तो केकर कहल पर? बाबा भगत के कहल पर।
तेतरा के कौन काम से फुर्सत ना है? तेतरा के कौन काम से फुर्सत ना है? तो इसका आंसर है खेत पथारे काम से। तेतरा मांझी को खेत पथार का काम से फुर्सत नहीं है। देखिए, मंगरा केकर खातिर माए बाप के छोड़ दिल रहत, तो किसके लिए माँ बाप को भी छोड़ दिया? तो फुलवा खातिर। किसके खातिर? फुलवा खातिर। फुलवा केकरा से कहे है कि मंगरा के गाँव के सभी लोग दुश्मन है। फुलवा किससे कहती कि मंगरा के पूरा गांव में दुश्मन है, सभी लोग दुश्मन है? तो तेतरा मांझी से कहती है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, केकरा जन्मावल ये संसार है, पूरा जो संसार है किसका जन्मावल है, यानी कि किसका पैदा किया हुआ है? तो जनी की, यानी कि महिला की। आगे हम लोग देखते हैं। बोन पहरी जोरिया केकर दिल है, बोन जो है पहरी है जोरिया है किसका दिया हुआ है? तो भगवान का दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। तेतरा फुलवा के की बनेल कहे है, तेतरा जो है फुलवा को क्या बनने के लिए कहता है? तो काली बनने के लिए कहता है, दुर्गा चामुंडा। तो इसका आंसर है सोभे, यानी कि इनमें से सभी। केकरा अपन मुट्ठे में बंद ना करल जा पारे, किसको अपनी मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता है? हवा और पानी को अपना मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। देखिए, सबले बड़ पाप की हक है, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो सबसे बड़ा पाप अन्याय के सामने अपना मुंह बंद रखना। अन्याय के समय, अन्याय जब हो रहा है, अन्याय के समय अपना मुंह बंद रखना। केकर दांत तोड़ के ओकर मुँह लगाम लगवी होते हैं, किसका दांत तोड़कर उसके मुंह में मुंह को लगाम लगाना होगा? तो इसका आंसर है सामाजिक अजगर की, समाज में जो अजगर बैठा हुआ है उसका। देखिए, दुखे के समय के अपन न्याय होवे, तो दुख के समय कौन अपना नहीं होता है? तो बेटा अपना नहीं होता है। कौन कहता है? ये अघुनु कहता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अघुनु अपन खानदान के कुलंगार ककरा के, अघुनु जो है अपने खानदान का कुलंगार किसे कहता है, यानी कि अपने खानदान को भ्रष्ट करने वाला, नाश करने वाला किसको कहा? तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? मंगरा की। किसको कहता है? मंगरा को कहता है। जालिम सिंह केकरा डकैती केस फंसवे की बात करे, जालिम सिंह किसको डकैती के केस में फंसाने की बात कहता है? तो मंगरा की। आगे हम लोग देखते हैं। जालिम सिंह कहाँ के थानेदार रहा? तो आप सभी को पता है कि चरक पहरी। कहाँ का है? चरक पहरी का है। आगे हम लोग देखते हैं। गाँव में आग के लगेले हले, गाँव में आग किसने लगाया? तो इसका आंसर है बाबा भगत। देखिए, बाबा भगत जे गाँव में आग लगेले रहत, ओकरा के देख ली हले? बाबा भगत गाँव में आग लगाया था, कौन देखा था? तो मंगरा देखा था। कौन? मंगरा। आगे हम लोग देखते हैं। जालिम सिंह केकरा से कहे है तो आग लगेली, जालिम सिंह किससे कहता है कि तुम आग लगाया? तो इसका आंसर है मंगरा से। किससे कहता है? मंगरा से। देखिए, मंगरा केकरा से की, मंगरा जो है किससे कहता है? तो ये मानुषिक रूप में साफ, तुम मनुष्य के रूप में साफ है, एगो अजगर साफ, जे अजगर मानुष के डोकाय भौरल गटेक जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगरा किससे कहता है कि तुम एक साफ है, अजगर साफ, जो मनुष्य को अपने मुंह में लेकर गटक जाता है। तो जालिम सिंह से कहता है। किससे कहता है? जालिम सिंह से। शारदा केकरा अपन दीदी के, शारदा जो है किसको अपना दीदी कहता है? तो इसका आंसर है सुगिया के। किससे कहता है? सुगिया। सुगिया कौन थी? कोबरा की पत्नी। सुगिया के अनुसार कहाँ के गिदर अमर हुए वो मोरे ना पारे? तो इसका आंसर है झारखंड माटी। झारखंड माटी के जो गिद्दर है, छुआ है, वो मरता नहीं, अमर होता है। के अपन खेत पथार सब बेच के मानुषिक सेवा में लगा दिल रहत, कौन अपना खेत पथार सब बेच कर मनुष्य की सेवा में लगा दिया? तो इसका आंसर है शारदा प्रसाद। केकरा छोड़ के सबके जिंदगी भर के सजा भेल रहत, किसको छोड़कर सभी को जिंदगी भर का आजीवन कारावास हो गया था? तो इसका आंसर है मंगरा को छोड़कर। किसको छोड़कर? मंगरा को छोड़कर। आगे हम लोग देखते हैं। केकरा फांसी की सजा भेल, तो मंगरा को फांसी का सजा हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। के प्रमाणित कर दिल रहे कि मंगरा ही गाँव में आग लगी ले रहे, कोर्ट में कौन इस बात को प्रमाणित कर देता है कि मंगरा ही इस गांव में आग लगाया था? तो इसका आंसर है थानादार। कौन? थानादार ये प्रूफ कर देता है। अजगर नाटक में केकर जिक्र भेल रहत, तो बोकारो का भी जिक्र है, हटिया का भी है और टाटा का भी है। ई लाइन के आगू की होता है? देखिए, ये जो लाइन है पूरब दिगे सूरज उगल, ये जो लाइन है नाटक में आप सभी को पढ़ाए हैं, पूरब दिगे सूरज उगल, तो इसके आगे क्या होगा? फुटल किरणिक राग रे। क्या होगा? फुटल किरणिक राग रे, यानी कि पूरब के दिशा में सूर्य उगा हुआ है और उसका जो किरण है
फुटल किरणक राग भी यानी कि उसका किरण सब पर पड़ रहा है। फुलवा केकरा से कहे है कि तुम इस झारखंड के माटी मालकिन, फुलवा किससे कहता है कि तुम इस झारखंड की मालकिन हो, झारखंड के माटी यानी झारखंड के माटी की मालकिन हो, तो सुगिया से कहती है। फुलवा केकरा से कहे कि तोरा काली रूप धरे हो, तो फुलवा जो है किससे कहती कि तुमको काली का रूप धारण करना होगा, तोरे माई का रूप धारण करे हो, तुमको माँ का रूप धारण करना होगा, तो इसका आंसर है सुगिया से, किससे कहती सुगिया से। अजगर नाटक में कौन नदी के उखरवल गए, तो अजगर नाटक में दामोदर और भैरवी नदी का जिक्र किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रकार से अजगर नाटक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अजगर नाटक के पहल दृश्य में कौन राज्य के एगो गांव के उखरवल गेल है, अजगर नाटक का जो पहला दृश्य है उसमें किस राज्य का एक गांव को उखाड़ा गया है तो जिक्र किया गया, तो झारखंड एगो गांव, तो झारखंड इसका आंसर है झारखंड एगो गांव, तो झारखंड का गांव का जिक्र है। इस प्रकार से हम लोग अजगर नाटक को पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। देखिए पहला प्रश्न है डाह नाटक के लेखक की लागत, डाह नाटक के लेखक कौन है, तो सुकुमार है, क्या हो जाएगा आंसर सुकुमार। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के पहल प्रकाशन कहिया भेल रे, तो डाह नाटक का जो पहला प्रकाशन कब हुआ था 1992 ईस्वी, याद रखना है कब हुआ था 1992 को। देखिए डाह नाटक के दोसर का प्रकाशन कहिया भेल रे, तो डाह नाटक का जो दोसर का प्रकाशन दूसरा प्रकाशन कब हुआ था 2010 ईस्वी को, याद रखिएगा 2010 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के तीसर का प्रकाशन कहिया भेल रे, इसका थर्ड जो एडिशन है तीसरा प्रकाशन कब हुआ था, तो 2019 को, कब हुआ था 2019 को। देखिए विवेक के भाई के की नाम है, विवेक का भाई का क्या नाम है, तो शेखर है, याद रखिएगा क्या नाम है शेखर। सिक्स नंबर देखिए विवेक के बहू के की नाम है, तो विवेक के बहू, तो विवेक की पत्नी का क्या नाम है, तो विवेक की पत्नी का नाम है रचना, याद रखिएगा क्या नाम है रचना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डाह नाटक के केगो नारी पात्र है, डाह नाटक में नारी पात्र कितना है, तो नारी पात्र दो है, एक रचना और दूसरा भावना, रचना विवेक की पत्नी और भावना विराट की पत्नी। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के कौन बेजाय भाव ऊपर लिखल गेल है, तो कौन बेजाय भाव के ऊपर लिखल गेल है, तो डाह के ऊपर लिखल गेल है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाह। आगे हम लोग देखते हैं विवेक केकर कारखाने काम करे हले, विवेक किसके कारखाने में काम करता था, तो किसके कारखाने में रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद। आगे हम लोग देखते हैं विवेक कारखाने के बजे ले, देखिए विवेक कारखाने के बजे ले काम करे है, विवेक कारखाना में कितना बजे तक काम करता है, तो 8 से 5, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 ले 5, 8 से 5 बजे तक। देखिए विवेक के घोड़ा इंजन के पानी पटवे की मशीन किने के बाद शेखर से करे है, तो विवेक कितना एचपी का, कितना हॉर्स पावर का पानी पटाने का मशीन किन्ने मतलब खरीदने का बात शेखर से करता है, तो याद रखिएगा 5 घोड़ा इंजन 5 एचपी का। आगे हम लोग देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बरद किने के टका बाकी रह गए, बरद का अर्थ होता है बेल, बेल को खरीदने में कितना बाकी रह गया था 400, कितना बाकी रह गया था 400। कहानी को आप लोग नाटक को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बरद जो बेल है बैल को खरीदने में 400 रुपया बाकी रह गया था। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर डाह नाटक के कौन देश के किसान का जिक्र भेल रहे, डाह नाटक में किस देश का किसान का जिक्र हुआ है, तो याद रखना है अमेरिका का किसान। आगे हम लोग देखते हैं विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क से कौन पदे काम करे हलत, विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में कौन पद पर, किस पद पर काम करता था, तो ए ग्रेड सुपरवाइजर था, कौन किस पद पर ए ग्रेड सुपरवाइजर। देखिए विवेक के सुपरवाइजर से कौन विभाग में प्रमोशन भेल रहे, तो कौन सा विभाग में प्रमोशन हुआ था, तो फोरमैन में, सुपरवाइजर से किस में फोरमैन में प्रमोशन हुआ था। 16 नंबर देखिए विवेक के प्रमोशन के बाद तनख्वाह में के टका बढ़ाया दिया गया, तो विवेक का जो प्रमोशन हुआ था फोरमैन में, तो तनख्वाह में के टका बढ़ाया गया था, कितना रुपया बढ़ाया गया था, तो याद रखिएगा 80 टका, कितना बढ़ाया गया था 80 टका। अब देखिए मैनेजर ध्रुव सिंह विराट के टका तनख्वाह दिलके,
विराट कौन है? विराट एक बदमाश किस्म का आदमी है, और जो मैनेजर है ध्रुव सिंह कितना रुपया देता है, कितना तनख्वाह देता है, तो 170 रुपया। आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं तो याद होगा कि 170 रुपया जो ध्रुव सिंह है विराट को देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि विराट पहल बेर के टका एडवांस ले चुकल हले, तो कितना रुपया एडवांस ले चुका था? तो विराट पहल बेर पहला बार जो एडवांस लिया था कितना रुपया? 25 रुपया। आगे हम लोग देखते हैं विराट दोसर बेर मतलब दूसरे बार के टका एडवांस ले चुकल हले, तो दूसरा बार कितना रुपया एडवांस लिया था? तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 40 टका। दूसरा पहल का बार 25 और दूसरे का बार 40। देखिए विराट कौन सुपरवाइजरे भीतर काज करे रहत, विराट किसके अंदर काम करता था, कौन सुपरवाइजर के अंदर काम करता था? तो याद रखना है जग्गा। इसमें दो सुपरवाइजर था, एक विवेक और दूसरा जग्गा। विवेक का प्रमोशन फोरमैन में हो जाता है और जग्गा एक सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। तो सुपरवाइजर कौन? जग्गा के भीतर विराट काम करता था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए सेठ रेवती प्रसाद विराट ले केकर भीतर काम करेल कहल थी। सेठ जो है रेवती प्रसाद विराट को किसके भीतर, किसके अंदर काम करने के लिए कहा? तो विवेक के भीतर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विवेक के भीतर। विराट कारखाने कौन काम करे रहत, विराट जो है कारखाना में कौन सा काम करता है? तो याद होगा ओल्डिंग का काम करता है, एक वेल्डर है, ओल्डिंग का काम करता है। भावना के कर बहु लागे, तो दो इसमें फीमेल कैरेक्टर है, एक रचना और दूसरा भावना। तो भावना देखिए केकर बहु लागे, तो भावना विराट के बहु, बहु मतलब यहाँ पत्नी। आगे हम लोग देखते हैं विराट के बेटा का नाम की हक है, तो विराट के बेटा, तो जो विराट का पुत्र है बंटू, याद रखिएगा विराट के बेटा का नाम बंटू है। विराट के बेटी का नाम की हक है, तो मुन्नी है, विराट का बेटी का नाम मुन्नी। विवेक मैनेजर ले के टका एडवांस मांगे गेल रहे, विवेक जो है मैनेजर से कितना रुपया एडवांस मांगने गया था? तो कहानी नाटक आदि अच्छी तरह से याद है तो आप लोग को पता होगा, जो विवेक है मैनेजर से कुछ पैसा एडवांस मांगने गया था, किस लिए? मशीन किनने के लिए, जो पानी पटाने का मशीन है उसे खरीदने के लिए कुछ रुपया उधार एडवांस मांगने गया था। तो कितना रुपया एडवांस मांगने गया था? तो कितना रुपया? तो 1000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 रुपया एडवांस मांगने गया था। आगे हम लोग देखते हैं मैनेजर विवेक से के टका एडवांस दिए के बात करल थी, तो मैनेजर जो है कितना विवेक को देने के बाद कहता है? तो 500 रुपया। बोला कि मुझे उतना पावर नहीं 1000 देने का, 500 रुपया हम दे सकते हैं, तो कितना देने के बाद कहता है? 500 रुपया। विवेक मशीन किने खातिर के टका बचा के रख लिया है, तो विवेक जो है मशीन खरीदने के लिए कितना रुपया बचा के रखा था? तो 4000। कितना? 4000, और 1000 एडवांस मांगने गया था, 5000 में मशीन किन लेता। आगे हम लोग देखते हैं सेठ रेवती प्रसाद विवेक घरे चोरी केकरा से करवे है, तो सेठ जो है रेवती प्रसाद विवेक के घर चोरी किससे करवाता है? तो किशन से। याद रखना है किशन कौन था? एक चोर था। देखिए इसमें विवेक घरे विवेक के घर से चोर के टका, चोर कितना रुपया चोरी करे पा रहे, कितना रुपया चोरी कर सका? तो 4500। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 4500। आगे हम लोग देखते हैं डाह नाटक के केकर घर बंदूक रहे, डाह नाटक में किसके घर में बंदूक रहता है? तो विवेक के घर में। आगे हम लोग देखते हैं देखिए विराट क्वेश्चन नंबर 32 है, विराट कारखाना कते देर से पहुंचल हले, कितना लेट से कारखाना पहुंचा था? 1 घंटा 20 मिनट लेट। क्या हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट लेट। देखिए विवेक पर बंदूक के तान दे, विवेक पर बंदूक कौन तान देता है? तो उसका भाई जो रहता है शेखर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शेखर, लेकिन शेखर मारता नहीं है। देखिए विवेक पर के गोली चलवे है, तो विवेक पर जो गोली चलाता है विराट, विराट जो है पीछे से गोली चलाता है और विवेक मर जाता है, लेकिन बंदूक कौन तानता है? शेखर तानता है। आगे हम लोग देखते हैं दाह नाटक के एगो सिपाही के की नाम हले, डाह नाटक में दो सिपाही है, एक सिपाही का क्या नाम था? तो एक सिपाही का नाम राम सिंह था। आगे हम लोग देखते हैं बंटू के हाथ हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। यदि आप लोग अच्छी तरह से कहानी नाटक को पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बंटू के हाथ है एगो रोटी है, वो रोटी के देले हलत, तो बंटू के हाथ में एक रोटी रहता है, उस रोटी को कौन दिया था? देखिए काकी अजा
तीसरा में शेखर और अंतिम में भावना। तो आप लोग को बताना है कि बंटू के हाथ में जो रोटी रहता है वो रोटी कौन दिया था। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर, कटघरे के खड़ा रहे, कटघरा में कौन खड़ा रहता है, तो विराट भी रहता है और भावना भी। याद रखिएगा कटघरा में विराट और भावना दोनों खड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अदालत केकरा दोषी ठहरेलकै, अदालत जो है किसे दोषी ठहराता है, तो विराट को ठहराता है। अदालत विराट के की सजा सुनवे है, तो कौन सा सजा मिला, फांसी का सजा। याद रखिएगा विराट को फांसी का सजा मिलता है। 40 में देखिए, सेठ केकर से 5000 घुरवे के बात कहल थी। आप लोग को पता होगा कि विवेक को सेठ जो है चोरी, जब विवेक के घर से चोरी हो जाता है तो सेठ 5000 रुपये उसे कर्जा देता है, और वो कर्जा किससे घुमाने का बात करता है, तो शेखर से। याद रखिएगा सेठ केकर से मतलब किससे 5000 घुरवे के बात कहल थी, तो शेखर से। डाह कैसर नाटक लागे, तो डाह जो है एक सामाजिक नाटक लागे। डाह नाटके सरकारी वकील के की नाम हके आतो वकील के लागे, तो सरकारी वकील गुप्ता जी। याद रखिएगा सरकारी वकील अतो सरकारी वकील कौन है, गुप्ता जी। देखिए डाह नाटके सरकारी वकील के लागे, डाह नाटक में सरकारी वकील कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुप्ता जी। डाह नाटक में जो सरकारी वकील है गुप्ता जी। आगे हम लोग देखते हैं, डाह नाटक में शेखर के वकील के रहे, शेखर का वकील कौन रहता है, तो बक्सी जी। याद रखिएगा बक्सी जी। 44 देखिए, कोर्ट में केकर बयान से असली खून पकड़ाई गया, तो कोर्ट में जो किसके बयान से असली जो गुनाहगार है पकड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भावना। क्या हो जाएगा, भावना। 44 का बी, भावना ही बताती है कि जो उसका पति है शेखर है उसी ने बंदूक से पिस्टल से किसे मारा था। देखिए 44 नंबर में, कोर्ट में केकर बयान से असली खून पकड़ाए गए, तो किसके बयान से असली खूनी जो है पकड़ा गया था, तो भावना के बयान से। याद रखिएगा किसके बयान से, भावना के बयान से। आज का अंतिम प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं, तो वही है कि डाह नाटक में केगो नारी पात्र है, तो दो नारी पात्र है, एक रचना है और एक भावना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत जल्द उसमें खोरठा का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।